इन छोटे छोटे दो टुकड़ों से देखो मैंने आज क्या बढ़िया चीज़ बनाई है। आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास सिर्फ ये दो छोटे छोटे कपड़े पड़े हुए थे, तो अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता रही हूँ। ये ऐसे लंबी है 75 सेंटीमीटर, ये भी, और चौड़ाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। अब ये सिलाई लगा के हमने जोड़ लिए हैं। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, सिलाई के साथ सिलाई मिला लेंगे, और यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब ये सिलाई कर ली हमने, ऐसे जोड़ लिया दोनों पीस को। अब हम इस वाले को इकट्ठा कर देंगे बीच में, इधर ले आएंगे, इस वाले को भी उल्टा रख के हम करेंगे ऐसे। बस हमें इसको बीच में इकट्ठा करना है, फिर हम इसको पकड़ के इसके साथ मिला लेंगे ऐसे। ये देखिए ये उल्टी साइड आ जाएगी ऐसे, इधर भी और इधर भी। अब उल्टी साइड पे यहाँ पे हम सिलाई करना शुरू कर देंगे, यहाँ से लेके आएंगे आगे, जहाँ जहाँ मैं पिन लगा रही हूँ वहाँ पे ऐसे सिलाई करते रहना है। अब क्या होगा, ये अंदर की तरफ है, हमें इसको बाहर की तरफ खींचते रहना है ऐसे। ये बाहर आएगा ऐसे, और हम यहाँ पे फिर सिलाई कर देंगे इसी तरह से। फिर ये हम अंदर वाले को बाहर करते रहेंगे जो हमने अंदर मोड़ा था, और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा शायद, ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पे फिर से पिन लगा लेते हैं, यहाँ सब सिलाई करेंगे फिर से, ऐसे सिलाई करते चले जाएंगे, और अंदर वाले पीस को अंदर ही रहने देंगे और अंदर से खींचते रहेंगे। अभी हमारी वही जगह आ जाएगी जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी। ये देखिए ये वाली पिन आ गई हमने जहाँ से सिलाई शुरू करी थी। ठीक है, यहाँ पे पूरे में अब हम सिलाई कर देंगे। थोड़ी सी जगह हम यहाँ पे बस छोड़ देंगे, इतनी सी जगह छोड़ देंगे। तो ये देखिए सिलाई कर दी मैंने ऐसे, और ये जगह छोड़ दी जहाँ से कि अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये ऐसे सीधा हो गया। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं, और जो ये जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे, या तो मशीन से ऐसे सिल के यहाँ से डबल करके ऐसे मशीन से सिल दें, या हाथ से सिल दें। ठीक है, अब ये हमने ऐसे प्रेस कर लिया है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे, जितना ये चौड़ा है। जैसे ये 8 है तो हम 4 पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे, ऐसे पूरे सर्कल में 4 इंच पे, 4 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में, बीच में हमें इलास्टिक डालनी है ये पतली वाली, इसके दोनों साइड में आधा आधा इंच की दूरी पे इधर और इधर यहाँ पे सिलाई कर देंगे पूरे में।
अब हमने बीच वाली लाइन के दोनों साइड में सिलाई लगा ली है, आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पे, या एक पैर की सिलाई कह सकते हो आप, ठीक है। ऐसे अब हम ये जो जोड़ है इसका बीच वाला हिस्सा हम खोल देंगे, जितने इन दोनों के बीच में ये जो है ये हम खोल देते हैं, इतना मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। ये हमने इधर से खोल लिया ऐसे, ठीक है, इतना सा बस उधेड़ना है हमें। अब हम लेंगे 20 सेंटीमीटर लंबी, मैंने ये इलास्टिक ली है, अब इसको इलास्टिक को इलास्टिक अंदर ना जाए इसलिए मैंने इधर की तरफ लगाया है। अब ऐसे हम डालते हुए इधर तक ले आएंगे, पूरे सर्कल डाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे इलास्टिक आ गई है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे सुई धागे से सिल लेते हैं, बिल्कुल पक्का कर लेंगे इसको। ये देखिए ऐसे इलास्टिक डाल दिए, ये अंदर चली गई। अब जो ये खोला था हमने, ये इसको हम हल्का सा बंद कर देते हैं। अब देखिए क्या बन गया ये, अब ये खूबसूरत रबड़ बैंड क्रंचीज़ बन गया तैयार। अब देखिए कैसा लग रहा है ऐसे। आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।